नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। लेकिन शुरुआत करते हैं, महोबा में बीते रोज 6 वर्ष की मासूम के साथ सुनसान इलाके में दुष्कर्म की वारदात मामले में पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज किया है बल्कि आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यह वारदात शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की है। बताया जा रहा है कि रोज 6 साल की मासूम बच्ची ने अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, तभी गांव में ही रहने वाला एक युवक जिसका नाम साहिल उर्फ गब्बू है और वे बहला फुसला कर मासूम बच्ची को ले गया और दुष्कर्म की वारदात को उसने अंजाम दिया। पीड़िता ने चीख पुकार सुन मां वहां मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों को इकट्ठा हो गए। वहां पे आरोपी धमकाता हुआ मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने अपनी मासूम बच्ची को लेकर शहर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और बताया गया है कि गाँव के ही रहने वाला 21 वर्षीय साहिल उर्फ गब्बू ने उसकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह को लगी, उक्त मामले में तत्काल मुकदमा लिखने के बाद आदेश दिए गए और साथ ही पुलिस ने विभिन्न धारा और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने सख्त आदेश के बाद गठित की है कि टीम ने आरोपी को आज रेपुरा खुर्द गांव के पास ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मासूम पीड़िता का मेडिकल परीक्षण महिला अस्पताल में कराया गया तो वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। अरे थाना कोतवाली में एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। उसके पिता के द्वारा FIR पंजीकृत कराई गई है एक व्यक्ति के खिलाफ। इस संबंध में उसको तत्काल गिरफ्तार करके और उसको जेल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई, बच्ची के बयान और मेडिकल की कार्रवाई हो गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल सागर की ओर से झांसी की ओर आ रही बता दी कि ट्रक अमरझरा घाटी के नीचे ढलान से उतर रहा था, वह अपना नियंत्रण खो बैठा और सामने जा रही ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में राग्य बता दी कि साइड घुस गया था। वहीं राग्य साइड कई मोटरसाइकिलों एवं बता दी कि एक स्कॉर्पियो और साथ ही एक पिकअप की अपनी चपेट में ले लिया उसने। गनीमत ये रही कि आधा दर्जन लोगों को केवल चोटें आई है। वही बता दें कि हरचरण सिंह जो कि ग्राम रजौरा तहसील पाली निवासी बताए जा रहे हैं, वे दर्शन करने अपने घर वापस आ रहे थे। वहीं बता दें कि दर्शन करने के बाद जब वे घर वापस आ रहे थे इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं लगभग एक दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर इस में नहीं मिली है। ट्रक की मछली लगी हुई थी ट्रक में जो कि पूरे रोड पर बिखर गई। हादसे के वक्त लोगों का तांता लग गया। वही मौके पर बचाव दल पहुंच चुका था। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से हजरत खंजर शहीद रहमतुल्लाह आले का सालाना उर्स मनाया गया है, जहां पर पिछले 40 सालों से सालाना उर्स हसरत खंजर शहीद रहमतुल्लाह आले का लगातार हर साल 6 से 8 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें 6 जनवरी को नातिया मुशायरा और साथ ही तकरीर का प्रोग्राम होता है, जिसमें से बता दें कि और 7 से 8 जनवरी को महफिल समा का प्रोग्राम होता है जिसमें हिंदुस्तान के नामी कव्वालों और साथ ही कव्वाली का प्रोग्राम और गागर चादर कुल लंगर भी पूरा इंतजाम किया जाता है। स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर सालाना उर्स शामिल होने के लिए वहां मौजूद होते हैं। अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर बता दें कि वीर विनायक चौराहे के पास एक युवक की शव बरामद हुई है। युवक की मौत की वजह ठंड लगने की वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी पुलिस युवक के बारे में पता नहीं लगा पाई है।
वहीं बदायूं में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। गनीमत रही है कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि मोहल्ले में एक अंधेड़ व्यक्ति की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये पूरा घटना जो है बदायूं के कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबुलपुरा जाटों वाली गली का है, जहां पर एक अंधेड़ को गोली मारकर आरोपी फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल अंधेड़ को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि परिजनों ने अभी तक किसी से भी कोई रंजिश होने का इनकार किया है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है ये आपके पिताजी के साथ? जी, क्या कहते हैं, खड़े हुए थे खाना खा के, तो किसी ने उनको गोली मार दी सर। ये कहाँ पे खड़े हुए थे? ये कपूनपुरे में चौराहे पे खड़े थे। अच्छा, उन लोगों से कोई रंजिश वगैरह थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं है सर। तो उन्हें पहचानती हैं आप? नहीं जानते सर। तो कोई कारण नहीं है गोली मारने का? नहीं सर, पता नहीं। अच्छा, करते क्या है ये? हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल। कहाँ पे? ये इधर ही है, बदायूं में। अच्छा, बदायूं में। अच्छा अच्छा, तो इनकी कोई रंजिश वगैरह का कोई कारण पता नहीं? कहाँ पे लगी है गोली इनकी? कंधे में लगी है सर। कंधे में? वो लोग भाग गए क्या? पता नहीं सर, हम लोग इनको लेके पुलिस में आ गए सर। बदायूं जिले के बिसौली तहसील क्षेत्र के कस्बा सदपुर के पास रोडवेज बस ने ओवरटेक करते हुए बता दी कि HPCL की गैर सिलेंडर से भरी टैंकर को कंटेनर को टक्कर मार दी है। वहीं रोडवेज बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बदायूं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर रोडवेज और गैस सिलेंडर की गाड़ी में ये टक्कर हुई है, और इस दौरान काफ़ी कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो काफी भयानक हो सकता था, लेकिन किसी तरीके से हादसा होते होते टला है। इस दौरान किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। वहीं झांसी में कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने वाले असहाय बेघर लोगों की जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने स्तुति लेते हुए आधी रात के बाद सड़क पर निकलकर कंबल बांटे हैं। इसके साथ ही डीएम ने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से रेन बसेरे में सोने की अपील भी की है। बता दें कि इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जिला अधिकारी लोगों को कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके लिए रेन बसेरा बनाया गया है, आप वहां जाइए, वहां रहिए, वहां ये, क्योंकि इस तरीके से ठंड में सोना सड़क पर ये काफी ज्यादा दर्दनायक है, और काफी ज्यादा ठंड के लिए लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत भी पैदा हो सकती है। देखिए, ठंड का समय है, और हालांकि सरकार द्वारा दिए गए 8,000 से ज्यादा कंबल यहाँ के पांचों तहसील में वितरित किए गए हैं, बट यदा कदा हमने SDM को और जितने अधिशासी अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया था कि जो भी रात में बाहर पाए जाएं, पहले उनसे अपील करें कि रेन बसेरे में जाएं, और अगर वो किंचित कारणों से मना करते हैं तो उन्हें कम से कम कंबल दे दें, ताकि ठंड से बचाव हो। और उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए मैं भी पूर्व में भी निकला था रात में, आज भी निकला हूं, अभी हम लोग स्टेशन पर हैं। बहुत सारे गरीब जिनको ट्रेन पकड़ना है या जो लोग रोड के किनारे सोए हुए हैं, पहले उनसे अपील की गई कि आप रेन बसेरे में चलिए, वहाँ फ्री में रहने, पानी पीने, टॉयलेट की व्यवस्था है। जिन लोगों ने मना किया उन्हें हमने कंबल देते हुए अपील किया कि अभी भी आप रेन बसेरा में जा सकते हैं। कहीं आपने अलाव जलाने का भी अलाव जलाने का? जी, अलाव भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य भीड़ भाड़ वाले जगह हैं वहाँ तो जलना ही चाहिए। जैसे बस स्टेशन के बाहर जलता है, रेलवे स्टेशन के बाहर जिस एरिया में हम लोगों ने घूमा है वहाँ नहीं दिखा। हमने तहसीलदार साहब, मोहनलालगंज पुलिस ने वकीलों के हवालात में बंद कर पिटाई के आरोपी दो दरोगाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित अधिवक्ता के तहरीर पर दरोगा राजकुमार और वी के सरोज पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता आज प्रदर्शन कर लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन का पुतला जलाने की तैयारी में थे। आपको बता दें कि इसके मोहनलालगंज में 30 दिसंबर 2022 की रात पुलिस द्वारा वकीलों से
मारपीट के मामले में पीड़ित अधिवक्ता पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। वहीं अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा और साथी अश्वनी कुमार सिंह राठौर की ओर से अर्जी दाखिल करके इंस्पेक्टर मोहनलाल गंज, कुलदीप दुबे समेत 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा और अश्वन कुमार सिंह राठौर द्वारा दाखिल की गई अर्जी में मोहनलाल गंज, कुलदीप दुबे दरोगा राजकुमार और साथी विजय कुमार सरोज साथी बता दें कि कांस्टेबल रोहित कुमार और संजीव भाटी के आरोपी बनाया गया है। अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में अश्विन कुमार सिंह राठौर की ओर से कहा गया है कि 30 दिसंबर की रात 8 बजे अपने साथी अरुण कुमार ओझा के साथ लखनऊ आ रहे थे। जैसे ही वो लोग बता दें कि गोसाईगंज रोड स्थित चौकी के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि उसी समय वहां पर मौजूद दरोगा राजकुमार और VK सरोज भट्टी गालियां देते हुए दोनों को पकड़कर थाने ले आए और आरोप है कि थाने पर कैमरा और लाइट बंद कर दोनों की तरह से बहुत ज़्यादा पिटाई की है। साथ ही बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि अरुण कुमार झा का मोबाइल भी छीन लिया गया था इस दौरान। वहीं अब खबर इटावा से है जहां पर सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्रा के आत्महत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से पैरा मेडिकल के छात्र में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। वहीं DM और बता दें कि SSP घटनास्थल का निरीक्षण करने यूनिवर्सिटी पहुंचे। मृतक छात्र रायबरेली का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले ही MBBS के लिए छात्र ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद से ये एक मामला सामने आया है। और इटावा का ये मामला है जहां पर बता दें कि लगातार मेडिकल छात्र के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। और एक मामला सामने आया जिसमें बता दें कि यहां पर एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, और साथ ही पैरा मेडिकल का ये छात्र बताया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि इसने खुदकुशी की है और इससे पहले भी एक मेडिकल के ही छात्र ने खुदकुशी की थी। जिस तरीके से इटावा में इस तरीके से छात्रों की खुदकुशी करने का मामला सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पे सवाल खड़े करता है कि क्यों वहाँ पे क्यों प्रशासन की मौजूदगी नहीं होती है और क्यों प्रशासन इस मामले को लेकर कोई सख्त रवैया नहीं अपनाता है, जिसकी वजह से छात्रों की खुदकुशी का सिलसिला बढ़ने लगता है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मेडिकल के छात्र ही खुदकुशी करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक जांच का विषय है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कॉलेजेस के प्रोफेसर को भी और साथ ही प्रशासन को भी एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए। DM और SSP ने घटना की स्थल का निरीक्षण किया है, यूनिवर्सिटी मौके पर पहुंचे हैं। मृतक छात्र जो है वो राय बरेली के रहने वाले का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन काफ़ी ये दुखद खबर है जिस तरीके से छात्र आजकल मेडिकल के छात्र खुदकुशी करते हुए नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक शर्मसार और कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद ये मामला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े करता ही है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये आपकी यूनिवर्सिटी पर भी और साथ ही आपके जो वहाँ आपको पढ़ाते हैं वहाँ के आपके प्रोफेसर जो हैं उन पे भी सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से छात्र जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और किस तरीके से वे खुदकुशी जैसे कदम को अपना लेते हैं। और साथ ही इस मामले को लेकर बता दें पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये जो छात्र है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का बताया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले को लेकर जो घटनास्थल है वहाँ पर भी पहुँची है, जमीनी स्तर पर जाकर पुलिस निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। और लेकिन पुलिस को इस मामले को लेकर सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल छात्र खुदकुशी करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से वे डिमोटिवेट होकर ये कदम उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसको लेकर प्रशासन को एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए।
फतेहपुर में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निवेदा संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। साथ ही विद्युत की समस्या आने पर काम न करने का निर्माण संगठन के लोगों ने लिया है। फतेह जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निवेदा संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप के नेतृत्व में जिले भर के संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता यह धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। और देखिए किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फतेहपुर की ये तस्वीर है जहां पर लगातार ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी है ये और लगातार अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि फतेहपुर में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर ये कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ है ये जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अधीक्षक अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। साथ ही विद्युत की समस्या आने पर काम करने के निर्माण संगठन के लोगों ने लिया है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित ये अधीक्षक अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निवेदा संविदा कर्मचारी संघ है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन भुगतान सहित तमाम इनकी मांग है जिसको लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपनी मांगों को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर जो कर्मचारी है उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात की है। जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप के नेतृत्व में जिले भर के संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता यह धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। वहीं आगरा में एसटीएफ और बदमाश विनय श्रोतिया के बीच मुठभेड़ हो गई है जिसमें फरार बदमाश विनय श्रोतिया को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। आपको बता दें कि दोनों की तरफ से चली कई राउंड गोलियां चली थी। वहीं मुठभेड़ में विनय श्रोतिया के गोली लग गई जिसके बाद से उसे अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विनय श्रोतिया के पास से पुलिस ने एक पिस्तल और साथ ही तमंचा बरामद किया है। दिनेश रोतिया जिसके ऊपर आगरा फिरोजाबाद एटा में कुल मिला के 57 मुकदमे अभी तक ज्ञात हैं जो पंजीकृत थे जिसमें 27 लूट के मुकदमे हैं, 5 हत्या के प्रयास हैं और विभिन्न धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं जो पुलिस कस्टडी में 14/7/2022 को पुलिस कर्मियों को घायल करके फरार हो गया था। वो रात को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि विनय श्रोतिया आगरा से मथुरा जाने वाला है, कोई बड़ी वारदात करने वाला है। इस दौरान हमारी सीओ साहब के नेतृत्व में 2 टीमें बनी, दोनों टीमों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की। विनय श्रोतिया को हमारे पूर्व के साथी जो उसको पहले गिरफ्तार कर चुके थे उसको पहचानते थे। विनय श्रोतिया को रोकने का इशारा किया, विनय श्रोतिया रुकने की बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी फायर में विनय श्रोतिया को गोली लगी जिसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर। और बता दें कि आगरा का यह मामला है जहां पर एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान बड़ी सफलता हासिल की गई जहां पर बता दें कि इस बदमाश को मार गिराया गया और इसका नाम विनय श्रोतिया बताया जा रहा है और इस बदमाश को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, लगातार इस बदमाश की तलाश में लगातार जुटी हुई थी जिसके बाद से एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, काफ़ी राउंड की फायरिंग हुई और इस दौरान बदमाश को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और कहीं ना कहीं पुलिस की ये बड़ी सफलता देखने को मिली है जहां पर एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में पुलिस ने इस बदमाश को मार गिराया है और इस बदमाश की तलाश में लगातार पुलिस काफी दिनों से जुटी हुई थी।
इटावा में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर जिला खनन बता दें कि अधिकारी को चेकिंग करता हुआ देख भाग रहे ओवरलोड ट्रक और साथ ही रोडवेज बस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद से देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराकर हादसे के शिकार हो गए हैं। बस में सवार यात्रियों को घायल अवस्था में तड़पता हुआ छोड़कर खनन अधिकारी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर वाहन में फंसे घायलों को निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। और बता दें कि इटावा का ये मामला है, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये भिड़ंत हुई है और उस भिड़ंत में किस तरीके से काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। और बता दें कि खनन अधिकारी की चेकिंग के दौरान यहाँ पर ये काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई है, आधा दर्जन से लोग यहाँ घायल बताए जा रहे थे, जिसके बाद से काफ़ी मुशक्कत के बाद इन घायलों को बाहर निकाला गया है। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्राम पंचायतों में मर रही गायों ने मथुरा की ग्राम पंचायत श्मशान घाट में बनाया गौशाला में गायों का खाना पीना नहीं मिल पा रहा है। खाना पीना नहीं मिलने के कारण यहां पर बता दें कि रोज गाय तड़प तड़प कर मर रही है। साथ ही बता दें कि आरोप है कि शिकायत करने पर भी आल्हा अधिकारी नहीं सुनते हैं। मामला ग्राम पंचायत मोगरा का है, जहाँ शीतकाल में बचने के लिए गायों के लिए बता दें कि ग्रामवासियों ने गायों को मरने पर बता दें कि शीतलहर से बचने के लिए तमाम तरीके के उपाय किए जाते हैं, लेकिन यहां पर बता दें कि गायों के मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर कई गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद से यहां पर ग्रामवासियों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गौशाला के करीब 400 से आसपास की गाय रहती है, उनको भोजन नहीं दिया जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, शीतकाल में ना कोई संसाधन है जिसकी वजह से गायों को आराम मिल सके, जिसके कारण गायों की मौत होती हुई नजर आ रही है। जिसके वजह से बता दें कि लगातार ये शिकायत ग्रामवासी करते हुए नजर आए हैं और गौशाला के कर्मचारी अभद्रता से पेश आता है, ये कहीं ना कहीं गौशाला के कर्मचारियों पर भी एक ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।